अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। माशाल्लाह रमज़ान का तीसरा अशरा जा रहा है और सब अच्छे अच्छे खाने बना के शेयर कर रहे हैं। अभी मैं बनाने लगी थी चिकन चंगेज़ी। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, चंगेज़ी बड़ा गुस्से वाला ख़तरनाक किस्म का होगा, स्पाइसी। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है आधा किलो, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको तो पहले मैरिनेट कर लेते हैं। और ये स्पाइसेस में मैंने लिया है ये लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर क्वार्टर टीस्पून, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और ये कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, ये सारा कुछ इसमें जाएगा। साथ में है मेरे पास ये फ्रोजन थे पेस्ट, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। और ये योगर्ट तकरीबन इसमें जाएंगे 4 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए रखें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। अभी ये मैंने ले लिए हैं 2 पैन और दोनों में 2 चम्मच ऑयल डाल लिए। इस वाले में हम करेंगे ये 2 मीडियम साइज के ओनियन मैंने लिए हैं, उनको स्लाइस कर लिया। और ओनियन को हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और साथ में दूसरा जो पैन है इसमें भी 2 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये डालूंगी मैं। इसको हमने सेपरेट सेपरेट रखना है थोड़ा फासले पे, ताकि अगर हम एकदम सारा डालेंगे तो वो उसका बहुत ज़्यादा पानी मॉइस्ट निकलेगा। इसको हमने सेपरेट सेपरेट पकाना है थोड़ा फासले पे रख कर। इस तरह जो हमें सारे पीसेस एक एक करके डालेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर ना आए, बस ये देखना है तो सारे पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हैं। तो इनको हम करते हैं अच्छा सा फ्राई। अब ये चिकन के पीसेस जो एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनकी साइड से हम कर देते हैं। ये सारे पीसेस की साइड से हम कर देते हैं और दूसरी साइड तक प्याज भी ऑलमोस्ट ब्राउन हो रहे हैं। ये इस तरह थोड़ा फासले पर रख के फ्राई करने से हमारा ये चिकन में बहुत ज़्यादा पानी दही और वो जो एकदम से नहीं निकलेगा, ये थोड़ा थोड़ा होके ड्राई होगा। ये मैंने पैन के जगह चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है दूसरे को। ये प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर प्यूरी। ये 2 टमाटर थे मीडियम साइज, इनका मैंने ब्लेंड कर लिया, ये मैं डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से टमाटर का पानी ड्राई होने तक भून लूँगी। इसमें हमारे प्याज जो हमने ब्राउन किए हैं वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। ये टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो गया, पानी ड्राई हो गया, ऑयल निकला है और ऑनियन भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी स्पाइसेस और स्पाइसेस में मैंने लिया है
ये रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, ये इसका अच्छा सा चंगेजी कलर देने के लिए, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और चाट मसाला, ये सारे मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको एक दो मिनट तक बस फ्राई कर लेंगे। और साथ साथ ऑलमोस्ट ये चिकन फ्राई हो गया, इसको मैंने दो तीन बार इसकी साइड चेंज की है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। ये चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया तो इसके मैं इसको उतार लेती हूँ और एक मैं चारकोल लेके इसको बंद कर लेती हूँ थोड़ा सा। और ये जो हमारा मसाला है ये भी तैयार हो रहा है, इसको मैं ये जो बचा हुआ हमारा था मैरिनेट चिकन का मसाला वो भी इसमें डाल देती हूँ। और इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं दो तीन मिनट। चारकोल कोला बर्न हो गया और मैं इसको ये मैरिनेट इसमें रख लिया चिकन में फॉइल, तो ये ऊपर से थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के इसको फौरन से कवर कर दें ताकि अच्छी तरह से इसमें धुआं आ जाए। और ये जो हमारी ग्रेवी है इसमें ये मैंने लिया तकरीबन 4 चम्मच मिल्क और इसमें 50 ग्राम काजू होंगे वो मैंने ब्लेंड कर लिया है इनको मिला के, तो ये जाएगा इसमें। और इसको 2-3 मिनट तक और पका लेते हैं, जितनी तक देर तक उसको भी हमारा धुआँ आ जाएगा। ये मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया और धुआँ अच्छा सा आ गया, तो अभी मैं इसको ये चारकोल को निकाल देती हूँ। और ये जो हमारी चिकन फ्राई हुई ये मैं इसमें ग्रेवी में शामिल कर देती हूँ। अब मैंने चिकन इसमें सारी शामिल कर दी है, अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके दम पे रख। देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में, बच्चे 2 दफ़ा पूछ के चले गए हैं मम्मा कब बनेगा खाना, अच्छी स्मेल आ रही है। अभी इसमें मैं ये डाल दूँगी 2 चम्मच फ्रेश क्रीम है, आप चाहें तो क्रीम डालें ब्लाइट डाल लें। और ये है कसूरी मेथी 1 चम्मच, आप चाहें तो कसूरी मेथी डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो धनिया डाल लें, लेकिन मुझे पसंद है इसका टेस्ट तो मैं ये डालूँगी। और इसको 2 मिनट और कवर करके दम दे दूँ, साथ में ये 4-5 हरी मिर्चें ये मैं साबुत ही डाल दूँगी, ये बहुत तीखी हैं इससे और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो इसलिए मैं साबुत डाल देती हूँ। लगा देती हूँ 2 मिनट के लिए और बहुत ज़बरदस्त चिकन चंगेजी रेडी है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आप उतनी देर में वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी चिकन चंगेजी। तो ये है फाइनल लुक चिकन चंगेजी कढ़ाई, कढ़ाई टाइप नहीं होता ये, थोड़ा ग्रेवी टाइप ही होता है।
बहुत ही डिलीशियस होता है। मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ पराठे और हम सहरी में एंजॉय करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।